अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आज मंडे है तो आहिल स्कूल चला गया और मेरा घर वगैरह साफ हो गया। तो ये कपड़े हैं तय लगाने के और वो ड्रेस है सीने का। तो आधा मुदा सी के रखी हूँ, अभी सीना है मुझे। तो आज पूरा काम फिनिश हो गया जल्दी जल्दी, 12:30 हो गया टाइम। तो अभी जाके पूरा काम पूरा मेरा आप देख लीजिए, पूरा पूरा ख़त्म हो गया था। अभी थोड़े बर्तन थे धोने के लिए जा रही थी, लेकिन ये मार्केट गए थे। मार्केट जाके आते आते है ना फिश लेके आए हैं। तो ऐसा है, मैं बाद में दिखाऊंगी फिश, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मिली उनको, 100 रुपये को 1.5 kg थी तो लेके आ गए। तो सुबह में बनाई थी मैं इडली और सांभर। दिखाना सोच के, रात को सोच के सोई थी कि सुबह से मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करूंगी और इडली और सांभर की रेसिपी दूंगी, और ऐसा सोच के सोती हूँ रात को, सुबह उठते ही व्लॉग बनाना ऐसा सोच के। लेकिन सुबह में इतनी हड़बड़ी होती है कि मेरे पास एक ही बेटा है, फिर भी इतनी गड़बड़ी, उसे सुबह उठाओ, नहलाओ धुलाओ, नाश्ता कराओ, उसकी बैग पैकिंग करो, नीचे ले जाके छोड़ो, इतना गड़बड़ी होता है। मैं वही सोचती हूँ जिसके घर में दो दो तीन तीन बच्चे हैं, वो कैसे संभालते होंगे, वो कैसे मैनेज करते होंगे। मैं यही सोचते रहती हूँ, सच में गड़बड़ी होती है। मैं मंडे को आज अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, सुबह उठते ही सब रेसिपी अलग अलग, दो तीन तरह की दाल भाके मैं सांभर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है सांभर। तो मैं वही सोच रही थी रेसिपी दूँ, लेकिन क्या करूँ ऐसा हो जाता है मेरे साथ, बताइए किस किस के साथ। मैं हैट्स ऑफ यू हर लेडीज के लिए, हर माँ के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही है मेरे पास, तभी मेरी हाल ऐसी होती है। सुबह गए तक गड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, उसके बूट सब लेकर के रखो, फिर भी हालांकि वो करता है, लेकिन नहाता है ना तो मैं जैसा नहलाती हूँ वैसा क्लीन नहीं नहाता, इसके वजह से मैं खुद ही नहलाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा है प्रॉब्लम, इसीलिए सुबह सुबह से वीडियो नहीं बना सकी मैं। तो चलिए अभी लाए हैं ये फिश। तो अभी तो मेरे घर का आधा मुदा काम हुआ है, अभी सिर्फ बर्तन एक धोने का था और जाके मैं अभी मशीन पे बैठ जाती थी, कपड़ा सीने का था वो, तो काम पूरा फिनिश हो गया था। लेकिन अभी लाए हैं ना मच्छी, तो दिखाऊंगी आपको मच्छी और इजी तरीका दिखाऊंगी कि कैसे क्लीन करते हैं। तो चलिए। तो जी इतने बर्तन मैं रात में धो के रखी थी, तो इतने बर्तन को मुझे तय लगाना है। देख लीजिए यहाँ पे सिंक वगैरह क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। अभी मुझे चावल बनाना है, देखेंगे हो सका तो बनाऊंगी, नहीं तो उसमें इडली अभी बची है। तो चलिए ये है फिश। मेरे मोबाइल के कैमरा है ना, ये पीछे वाला मैं जो कवर डाली हूँ वो कवर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा अच्छे से क्लीन नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे है ना फ्रेश फिश मिलते हैं, मतलब यहाँ पे नदी है, नदी क्या बड़ी नदी होगी है यहाँ पे, तो यहाँ से फिश है ना बहुत सा अच्छी वाली फिश, फ्रेश फिश मिलती है। तो सबसे पहले फिश को हम ऐसे करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये फ्रेश है कि नहीं है, और ये है ना जिंदी रहती है, उछलते रहती है। तो ये है 100 रुपये को 1.5 kg। तो माशाल्लाह देख लीजिए कितने बड़ी मच्छी है, बड़ी मच्छी रहती है, यही हमारे गांव में बहुत महंगी मच्छी है ये, तो लगभग ये 200-250 रुपए की मच्छी होगी वहाँ पर। तो मैं है ना इसका छिलका जल्दी से नहीं उकड़ता, नहीं निकलता है ना, इसके वजह से सभी के घर में ये वाला रहता है, आलू छिलने का सभी के घर में रहता है ना, तो इस वाले से है ना बहुत जल्दी क्लीन होते हैं। देखो ऐसा करके घिघ रहे तो है ना बहुत जल्द क्लीन होता है। और जारी का आटा मुझे छींक आ रही थी, माशाल्लाह आज मैं अच्छी लग रही हूँ, कुछ कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, सिर्फ मुंह धोई थी वाइट एक एक, कभी कभी वाइट लगती हूँ, एकदम से गोरी गोरी लगती हूँ, कभी कभी काली काली लगती हूँ, ऐसा हो जाता है, लेकिन आज गोरी लग रही हूँ बताना कमेंट में मुझे ज़रूर। नहीं आज सच में गोरी लग रही हूँ, पता नहीं कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, बाल अभी है ना ऊपर ऊपर से करके आई हूँ मैं तो ऐसा सिंपल लुक कभी भी रखते हैं ना, सिंपल रहते हैं, वैसे ही उठे वीडियो बनाए तो अच्छे लगते हैं, ऐसा है ना। तो चलिए मैं बताऊंगी, हाँ ये वाला सबके घर में रहता है ना, ये आलू क्लीन करने का, इससे है ना फिश के जो भी छिलके रहते हैं वो अच्छे से निकलते हैं। मैंने किसी के पास देखा था कि क्या वीडियो में देखा था पता नहीं, जब से मैं इस वाले से ट्राई कर रही हूँ बहुत जल्दी साफ होते हैं, नहीं तो पहले मैं अडोरे से ऐसे खिखरते बढ़ती थी, जल्दी होते नहीं थे, हाथों में भी खून आ जाता था इसकी। ये वाले जो पंख रहते हैं ना वो बहुत खराब लगते हैं, बहुत अंदर चुभते हैं, तो मुझे पहले उतना मालूम नहीं था कि उससे क्लीन करे तो जाता है, तो मैं है ना वो उसे अडौले से लगड़ते रहती थी, वो छिलके तो उकड़ते नहीं थे जल्दी से, लेकिन हाथ में से खून जरूर आ जाता था। लेकिन जब से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ना
तब से बहुत सेफ्टी और बहुत जल्दी फिश क्लीन हो जाती है। तो ऐसा है, तो अभी देखेंगे पूरी फिश में पाक करके नमक भर के रख दूंगी। एक 4-5 पीस मैं फ्राई करके इनको दे दूंगी, ये खा के सो जाएंगे क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है। तो आज का व्लॉग ऐसा स्टार्ट किया मैंने सुबह सुबह से, सुबह सुबह से नहीं तो 12:30 से, तो शाम तक कंटिन्यू ऐसे ही रहूंगी। क्या क्या करूंगी क्या क्या नहीं वही दिखाऊंगी। हाँ आज मंडे है तो मंडे आज मार्केट है सब्जी का, तो देखेंगे हो सका तो लेके जाऊंगी आपको। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही डेली डेली ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। ये वाला ड्रेस है आधा सी के रखी हूँ और आधा सीना है, देख के अभी मैं लगभग 20 दिन के ऊपर हो गया, सीख दूंगी क्योंकि कभी कभी है ना कमर पेन बहुत ज़्यादा है मैं मुझे मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसके वजह से है ना मैं मशीन पर बैठना इग्नोर कर रही हूँ। देखेंगे, पता नहीं किस वजह से कमर में पेन हो रहा है मुझे पता ही नहीं चलता है, एक एक बार वो होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी फ़िलहाल के लिए 2-3 दिन कम है अभी, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी हेल्थ, उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है, बद बद करती जाऊँगी। तो कल बहुत सारा काम था, कल इतने सारे कपड़े थे, हाथ से धोने वाले भी कपड़े थे और प्लस यहाँ पे नीचे वाला सब भी सेक्शन क्लीन करना था, सब कुछ हो गया कल। तो अभी देख लीजिए उतने बर्तन है धोने के, तो धोएंगी कितना होगा, 10-15 मिनट में बर्तन हो जाएंगे, इतने बर्तन है मेरे धोने के। और ये सब घर बन रहे हैं, देख लीजिए मेरा कभी होगा पता नहीं, होगा होगा इंशाल्लाह। मतलब हमारा है खुद का घर है, ऐसा नहीं है कि हमारा घर नहीं है, हमारा है खुद का घर, लेकिन मुझे है ना यहाँ पे ये गांव में रहना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है, हर एक चीज़, हर एक चीज़ मतलब तरकारी से लेके जो भी ऑपरेशन पानी करते हो सब कुछ थोड़ा बहुत मुझे सिरसी के मुताबिक है तो हावेरी के मुताबिक है ना यहाँ पे सस्ता लगा, सस्ता मतलब सस्ता लगा और अच्छा लगा, और आहिल के फ्यूचर के लिए ये गांव बहुत अच्छा है। मतलब इनकी कंपनी भी यहीं पे है और स्कूल अच्छे हैं और ये हैदराबाद ये होने वाला है, और मुझे पता नहीं यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक इसमें हेल्प करने को आ जाते हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ का एरिया, यहाँ का ही मतलब नहीं बट ये गांव मुझे बहुत पसंद आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कहीं पे लेंगे और घर बनेंगे, कभी होता है पता नहीं है, जब हमारे किस्मत में होगा तभी ही होगा, लेकिन जब तक है तब तक यहीं पे है ऐसा है। नहीं आहिल का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे आहिल स्कूल पढ़ा तो स्कूल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, यह सोचती हूँ मैं। देखेंगे इंशाल्लाह, सभी घर बन रहे हैं आजू बाजू, देखो वहाँ भी एक अभी नया नया घर बन रहा है, सबके आजू बाजू जो भी जगह थे पूरे जन घर बन रहे, वो घर देख के मुझे बेरहमान लगती है, खुद का होता है किराए का होता है, ऐसा है ना। तो देखेंगे, खुद का तो है घर हमारा है माशाल्लाह, अच्छा खासा जगह है, अच्छा खासा घर है, ऐसा नहीं है कि घर नहीं है, घर क्या सभी को एक दिन छोड़ के जाना है, लेकिन जब तक जितने दिन तक रहते हैं उतने दिन अपना घर रहता है और अच्छे से सजा के रखते हैं, वो बात और होती है ना। तो खुद का घर दूसरे गाँव में है तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते, कभी तो भी जाते हैं ईदों में ऐसे में जाते हैं तो 1-1.5 दिन का टाइम मिलता है वो घर में रुकने के लिए। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम जितने दिन जिंदे हैं उतने दिन हमारा खुद के घर में रहना चाहिए अच्छे से सजा वजा के, ऐसा है मेरा, इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरा होगा, है ना। तो सपने देखने में क्या हर्ज है, सपने देखते जाएंगे। तो चलिए मैं ऐसे ही बातें करते रहती तो करते ही रहती है, मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना, और मेरे वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है, मुझे बहुत दिल से खुशी लगी क्योंकि 1-1.5 महीना मैंने व्लॉग ही नहीं डाला था, तो एकदम सडनली मैंने व्लॉग डालना शुरू करा, तो कई कई बार ऐसा होता था कि देखते ही नहीं थे, 15-20 के व्यू आते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहे हैं, 100, 200, 300 तक वीडियो पे व्यू आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं वीडियो बनाते रहूँगी। तो चलिए अभी मच्छी बचे मच्छी पाक करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी कि क्या क्या करती हूँ। तो ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में, आपसे सच में बातें करते रहे तो ऐसा लगता है कि शेयर करते जाऊं पता नहीं, ऐसे ही बने रहना। तो जी फाइनली फिश क्लीन करके हो गया, तो माशाल्लाह देख लीजिए कितनी क्लीन होती है, और ये साइज में मैंने कट करा है, ये फ्राई करने के लिए भी अच्छी होती है और सालन में डालने के लिए भी परफेक्ट पीस है। तो देख लीजिए
10-15 मिनट का टाइम लगा मुझे इतना ही। अब मैं इसमें है ना अच्छी तरीके से थोड़ा नमक डाल के मिक्स करके रखूंगी। ये वाली मच्छी या मच्छी कोई भी मच्छी हो, नमक डाल के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मच्छी में नमक लग जाता है। डायरेक्ट सलाद बनाए तो मच्छी ऐसी फीकी फीकी लगती है, तो मैं नमक मिला के रख देती हूँ इस वाले जार में, जब चाहे निकाल के फ्राई करके खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे है हमारे साहेब, तो यहाँ पर है मच्छी। तो चलिए ऐसे बने रहे।